मंदिर के अंदर आरती के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए गए। मंदिर में सुबह 5 बजे ही भक्तों की कतार लग गई। भारी पुलिस बल के बीच श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा जी के दर्शन किए। एसडीएम दिलीप सिंह के सानिध्य में मंगल आरती की गई। एसडीएम ने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर में गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निषेध है। चलिए इस पर और अधिक जानकारी संवाददाता भवानी शंकर हमें देंगे। जी भवानी, आज भक्तों के लिए द्वार खोल दिए गए हैं मंदिरों के, वहीं आपको ये जानकारी भी आ रही है कि मंदिर में 10 साल से कम उम्र के और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश निषेध है। क्या कुछ अधिक अपडेट है? बताना चाहेंगे कि आज जो है जगत पिता ब्रह्मा का जो मंदिर है विश्व स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुका है। हजारों श्रद्धालु रोज ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आज करीब 5.5 महीने के बाद में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का आज सरकारी गाइडलाइन के तहत इसको खोला गया है। तो छोटे बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पहले ही से ही सरकार की गाइडलाइन है कि उन्हें घर से बाहर नहीं भेजा जाए। तो इसी के मद्देनजर वहाँ ब्रह्मा मंदिर में इनका प्रवेश निषेध रहेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेन आधार रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी इसके मद्देनजर की गई है। जी भवानी, करीब 5 से 6 महीनों के अंदर तक ये सारे मंदिर बंद रहे थे, सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए तरस रहे थे, मगर जब अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा तो क्या कुछ उन लोगों को करना पड़ेगा, मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है? क्या कुछ चीजें सामने रहेंगी? बिल्कुल, गाइडलाइन जारी की गई है। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर में जो घंटी बजाने का रिवाज आदि अनादि काल से चलता है वो घंटी नहीं बजाने दी जाएगी। और 2 मीटर का जो सोशल डिस्टेंस है उसके लिए घेरे बनाए गए हैं, उसी डिस्टेंस से श्रद्धालुओं को दर्शन करने होंगे। मंदिर में फूल और माला जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसकी परमिशन नहीं दी गई है। मंदिर में भक्त सिर्फ अपने आराध्य के ही दर्शन करेंगे, वो भी दूर से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में आज से भगवान के द्वार भक्तों के लिए खोले गए हैं। इस दौरान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दर्शन किए,